इसराइल और गाजा के बीच जारी जंग का आज 12वां दिन है। इस संघर्ष में बेकसूर और आम जनता अपनी जान से जा रही है। इसी बीच बीते दिन गाजा के सिटी अस्पताल में अचानक विस्फोट हुआ, जिसमें करीब 500 लोगों की जान चली गई। इस घटना से दुनिया भर में खलबली मच गई है। वहीं इसराइल और फिलिस्तीन के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। वे इस विस्फोट के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने घातक हमले के लिए इसराइल को दोषी ठहराया है। We as Arab group, as you see all of us, united, outraged by this massacre that has taken place, committed by the Israeli forces against a hospital, the Lutheran hospital, in the Gaza Strip, in which, according to the initial figures, about 500 civilians have been torn apart and massacred in this outrageous, illegal crime committed by the Israeli forces against our people in the Gaza Strip. We condemn this action in the strongest possible terms, and we hold Israel responsible for this massacre, this crime, and those responsible for this crime should face justice and should face accountability and should be, you know, a punishment rising to the level of this crime committed against our people to be faced by them. वहीं इसराइल की सेना ने कहा कि इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह के एक असफल रॉकेट लॉन्च के चलते गाजा के अस्पताल में विस्फोट हुआ। I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the El Hali El Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर इस्लामिक जिहाद को असफल रॉकेट लॉन्च के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा, कई स्रोतों से हमारे हाथ लगी खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि गाजा में अस्पताल पर हमला करने वाले असफल रॉकेट प्रक्षेपण के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, मैं गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में हुए विस्फोट और उसके परिणाम स्वरूप हुई जान माल की भयानक क्षति से स्तब्ध हूँ। ये समाचार सुनते ही मैंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की, साथ ही अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को इस बारे में जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया कि वास्तव में हुआ क्या था। संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्ष के दौरान नागरिक जीवन की सुरक्षा के लिए खड़ा है और हम इस त्रासदी में मारे गए और घायल हुए मरीजों, चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य निर्दोष लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं।